हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक शेयर के बारे में कि दोस्तों HDFC बैंक का Q3 रिजल्ट क्या था और इस पर बड़े बड़े ब्रोकर्स की क्या राय है और क्या हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो रिजल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। प्रॉफिट में भी 18% की ग्रोथ हुई थी, NPA में भी कमी आई थी, ब्याज आय भी कंपनी की बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ी थी, ग्रोथ NPA भी बढ़ा है। रिजल्ट अच्छा होने की वजह से HDFC बैंक का जो शेयर था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दोस्तों हम जानेंगे ब्रोकरेज की क्या रहेगी। दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकरेज इस पर आई है कि शेयर को हमें बाय करना चाहिए और उन्होंने इसका टारगेट प्राइस जो है वो 2000 प्लस कर दिया। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो आने वाले टाइम बढ़ेगा क्योंकि HDFC बैंक की ओपन विकास में बहुत ज़्यादा पहले से दूर दूर है। तो दोस्तों हमें शेयर को बाय करना चाहिए क्योंकि इसका शेयर प्राइस जो है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।